नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिससे आप IAS, IPS, IRS, IFS इस तरह की सर्विस अलॉट होती हैं, उसी तरह से किसी भी स्टेट का सबसे टफेस्ट या सबसे प्रतिष्ठित या सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है PCS का, यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस। IAS से अगर आप DM बनते हैं, UPSC जो लेता है इंडिया लेवल पर, और अगर आप किसी स्टेट का PCS एग्ज़ाम देंगे तो उसे उस स्टेट का लोक सेवा आयोग लेगा, चाहे बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो। हम UP के विषय में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो PCS एग्ज़ाम से आप बनते हैं SDM। ये केवल एक पोस्ट है, इसी तरह की लगभग 40 से ज़्यादा पोस्ट होती हैं PCS एग्ज़ाम में। आज हम उन पोस्टों में जो टॉप मोस्ट 5 पोस्ट हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे, या ये 5 पोस्ट आप सबसे पावरफुल पोस्ट कह सकते हैं PCS एग्ज़ाम में। जैसे कि नायब तहसीलदार है, BDO है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BSA है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, या DIOS है, या फिर DSP है, RTO है, इस तरह की 40 से अधिक पोस्ट होती हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी है। तो PCS एग्ज़ाम को हम एक मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, PCS एग्ज़ाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। प्री में आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर GS का और दूसरा CSAT का। GS में 150 क्वेश्चन आते हैं और CSAT वाले में 100 क्वेश्चन। इसके बाद ये जो CSAT है पेपर 2, ये क्वालिफाइंग होता है, केवल पेपर 1 के आधार पर मेरिट बनती है। जो मेरिट में आ जाते हैं वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। मेंस में UPPCS में 4 पेपर तो होते हैं GS के, यानी GS 1, 2, 3 और 4। GS 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और थोड़ा सा ये सोशोलॉजी है। इसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी का है सेकंड पेपर। तीसरे पेपर में इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और जो फोर्थ पेपर है GS का, ये बेसिकली इथिक्स का पेपर है। 4 GS के पेपर के अलावा एक पेपर होगा हिंदी का और एक पेपर होगा SA का। इसके अलावा एक ऑप्शनल होता था पहले, उसके 2 पेपर होते थे, लेकिन इस बार से ऑप्शनल हटा दिया गया है। तो उसमें UP स्पेशल के 2 पेपर होंगे, यानी UP का जो सामान्य परिवेश है उसके 2 एग्ज़ाम होंगे। ऑप्शनल क्यों हटाया है? क्योंकि इंडिया में सिविल सर्विस IAS एग्ज़ाम के बाद UPPCS एक इतना टफ एग्ज़ाम था जो बिल्कुल सिलेबस भी सेम था, और किसी भी राज्य का PCS उठाकर देख लीजिए, उसी राज्य के बच्चे चयनित होते थे। लेकिन UPPCS में तमिलनाडु से कोई रंगराजन, स्वामीनाथन, इस तरह के लोग आकर के SDM DSP बन जाते थे, जिन्हें यूपी की मतलब बोल चाल के बारे में भी नहीं पता। तो इस वजह से अब यूपी स्पेशल का एग्ज़ाम होता है इसमें। तो 1500 नंबर की ये मेंस का पेपर है, यानी मेंस की परीक्षा है। इसके बाद 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपको जो पोस्ट निकलती हैं उस साल, उसका प्रिफ्रेंस ऑर्डर भरना पड़ता है। तो 40 से अधिक पोस्ट हैं, उनमें से टॉप 5 पोस्ट के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। देखिए, किसी भी PCS किसी भी स्टेट के बारे में देख लीजिए आप, सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है या जो पहले नंबर की प्रिफ्रेंस पर बच्चे रखते हैं वो होती है डिप्टी कलेक्टर, जिसे मतलब फील्ड में जब इसकी सब डिवीज़न अलॉट हो जाता है तो SDM बोलते हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक ज़िले को कई सब डिवीज़न में बांट दिया जाता है, तो जो सब डिवीज़न का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसे बोलते हैं SDM। एक पोस्ट हो गई SDM, दूसरी पोस्ट हो गई DSP, तीसरी पोस्ट है ARTO, यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और तीसरी पोस्ट है EO Grade 1, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका, और चौथी पोस्ट या तो आप BDO रख लीजिए या DPRO। ये 5 पोस्ट मैंने आपको बता दी PCS एग्ज़ाम की, ये सबसे पावरफुल पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं SDM की। देखिए, SDM जो सब डिवीज़न है आपका, उसके अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, वो 50 से अधिक विभाग भी हो सकते हैं,
उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सब एसडीएम का काम होता है। यानी जैसे एक सब डिवीज़न, जो काम ज़िले में डीएम का होता है वही काम सब डिवीज़न में एसडीएम का होता है। बस एक दो पावर छोड़ दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में कोई टीचर समय से नहीं आ रहा है, तो एसडीएम जैसे इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर वो सस्पेंड नहीं कर पाएंगे टीचर को, टीचर को सस्पेंड मतलब रिपोर्ट बना करके दे देंगे डीएम को, तो डीएम के द्वारा होगा, किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी। लेकिन एसडीएम का जो काम है, जैसे ज़िले में आपने कितने विभाग सुनोगे, सिंचाई विभाग है, बिजली विभाग है, पुलिस विभाग है, वन विभाग है, नगर पालिका, नगर पंचायत, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इसी तरह के बहुत से विभाग होते हैं, लगभग 50 समझ लीजिए इन्हें। तो इन सारे विभागों को जो चेयर करने का काम, यानी जो इनकी अध्यक्षता करता है या मीटिंग लेता है, वो एसडीएम लेता है सब डिवीज़न में। अब अपने अपने विभाग के सब ऑफिसर होते हैं, जैसे पुलिस विभाग का डीएसपी है, या शिक्षा विभाग का बीएसए तो चलो जिला लेवल का है, खंड शिक्षा अधिकारी है, इसी तरह के ऑफिसर होते हैं। तो एसडीएम का काम बेसिकली सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यानी जो भी समस्या, कोई असामाजिक तत्व या कोई कहीं पर दंगा हो गया या ये सब, तो पुलिस की मदद से एक तो उसे सही करना। दूसरा काम है फिर, मतलब जो भी आप काम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ये काम करती है, तो वो सभी काम एसडीएम के द्वारा होते हैं। जैसे धारा 144 लगाना, कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन लगाना, इसका निर्णय भी एसडीएम के द्वारा किया जाता है। या ज़िले में कोई बाढ़ जैसी, बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो कौन सी फोर्स को बुलाना है, ये सब काम एसडीएम के, एयर फोर्स बुलाना है, सीआरपीएफ बुलानी है, या फिर जैसे कि आप समझ लीजिए कहीं पर कोई दंगा हो गया, तो दंगे में कौन से बल का प्रयोग करना है, यानी गोली चलाने का आदेश देना है, या फायर, हवाई फायर करना है, या फिर लाठी का प्रयोग करना है, ये आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो एसडीएम ही होता है। या आपने सुना होगा कि किसी आदमी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो वो सब एसडीएम के सामने ही पेश किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट दो तरह के हैं, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आप एसडीएम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मत समझिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं न्यायपालिका के जो जज होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग हैं बिल्कुल। और एसडीएम का काम, मतलब जो भी काम है जिस भी विभाग के अंतर्गत काम है, तो वो एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं, वहाँ का इंस्पेक्शन करना, या पुलिस थाना है कोई, वहाँ का इंस्पेक्शन करना, या कोई स्कूल है, कोई रोड निकलने वाला है, तो सब उसी के साइन से होता है, मतलब बड़े लेवल पर डीएम के साइन से। मैं उस सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। और एक काम है जैसे कि भूमि अधिग्रहण, मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्लांट लगने वाला है या रोड निकलने वाला है, तो लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर एसडीएम उसके रूप में कार्य करते हैं, यानी भूमि का अधिग्रहण करना। इसके अलावा देखिए, मतलब जितने भी काम हैं ये सब एसडीएम के हैं, और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा तो। एसडीएम के बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है डीएसपी, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में सीओ कह देते हैं, यानी सर्किल ऑफिसर। तो किसी ज़िले को जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है वो है एसपी या एसएसपी। तो ज़िले को बांट देते हैं 4-5 सर्किल में, उस सर्किल का ऑफिसर होता है सीओ। डीएसपी तो वैसे बहुत होते हैं, जैसे डीएसपी क्राइम है, डीएसपी एटीएस है, डीएसपी ट्रैफिक है, और एसपी ऑफिस में भी डीएसपी होते हैं, लेकिन जिसे सर्किल का इंचार्ज मिल जाता है उसे बोलते हैं सीओ। तो पुलिस का आप काम समझते हैं, पुलिस 24 घंटे में से लगभग 18-20 घंटे तक काम करती है पुलिस, और बहुत ही हार्ड ड्यूटी पुलिस की होती है, छुट्टी कोई नहीं मिलती। और ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, ये 24/7 काम करते हैं। अब देखिए, डीएसपी के अंडर कुछ थाने होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन आपने सुना होगा, तो 4-5 थाने हो सकते हैं। ये दूसरी पावरफुल पोस्ट थी पीसीएस एग्ज़ाम की। अब तीसरी पोस्ट लेते हैं एआरटीओ, यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये परिवहन विभाग की, ज़िले में दो एआरटीओ होते हैं,
एक तो ARTO एडमिनिस्ट्रेशन और एक ARTO एनफोर्समेंट। आपको काम पड़ता होगा, मान लीजिए किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनना है या व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जितने भी काम है ये ARTO एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। और जो बड़े बड़े वाहन रोड पर दौड़ रहे हैं ज़िले में, उन्हें देखता है ARTO एनफोर्समेंट, तो वो उन पर जुर्माना लगाता है और उसका ज़िले वाइज टारगेट फिक्स होता है। मान लीजिए कोई बड़ा ज़िला है तो वहाँ से 1 करोड़ रुपये मतलब उसे ARTO एनफोर्समेंट को वसूल करने ही करने हैं 1 महीने में, इस तरह का टारगेट होता है अलग अलग ज़िले का। इसके बाद देखिए चौथे नंबर की पोस्ट पर बात करते हैं हम, तो वो है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब सुना होगा आपने। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Grade 1 ये नगर पालिका में होते हैं, और अगर इनका ट्रांसफ़र नगर निगम में हो जाता है तो इन्हें बोलते हैं सहायक नगर आयुक्त। इनका काम जिस तरह से SDM का काम है उसी तरह से इनका काम है, मतलब इनके अंडर जितने भी विभाग हैं ये सभी विभागों के हेड हैं। नगर शहर में देख लीजिए आपको जो भी काम पड़ता होगा तो नगर पालिका या नगर निगम से ही होता होगा वो। इसके बाद जो पांचवी पोस्ट है वो BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रख लीजिए आप, या फिर DPRO। DPRO का मतलब है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, जिला पंचायती राज अधिकारी, और BDO का मतलब है ब्लॉक खंड विकास अधिकारी। ज़िले में कई ब्लॉक होते हैं और तहसील भी कई होती हैं, ब्लॉक का अधिकारी होता है BDO और तहसील का होता है तहसीलदार, लेकिन ये दोनों जो हैं वो SDM के अंडर ही कार्य करते हैं। तो BDO जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक तो ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का अधिकारी है, और जो एक इसके समकक्ष है जनप्रतिनिधि वो होता है ब्लॉक प्रमुख, जिस तरह से गांव में ग्राम प्रधान होता है और सरकार का आदमी सेक्रेटरी या सचिव होता है, उसी तरह से ब्लॉक में जनप्रतिनिधि होता है ब्लॉक प्रमुख, और गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वहाँ पर वो होगा BDO। जिला पंचायत की बात करें तो ज़िले में जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और गवर्नमेंट का आदमी CDO है, मुख्य विकास अधिकारी, उसी तरह से है ये। तो ये 5 पोस्ट हो गई, ये PCS एग्ज़ाम की टॉप 5 पोस्ट हैं जो सबसे पावरफुल हैं। इसके अलावा इन्हें आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को पुलिस में जाना पसंद नहीं है तो SDM के बाद ARTO को रख सकता है, लेकिन उसका कारण समझाना पड़ेगा फिर इंटरव्यू में, क्योंकि ये जो ARTO है ये थोड़ी मतलब एक तरह से पैसे के मामले में थोड़ी वैसी पोस्ट है, तो इंटरव्यू को सही मतलब इंटरव्यू जो आपका ले रहे हैं उन्हें सही मतलब समझाना पड़ेगा कि DSP से पहले ARTO को क्यों रखा है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।